हेलो स्टूडेंट्स, हमको क्या क्वेश्चन है हमारा। लिस्ट फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखना है हमें। तो -1 के नीचे क्या करेंगे, अपॉन 1 लिख देंगे एंड 0 अपॉन 1 कर देंगे। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको फाइव रैशनल नंबर चाहिए, इसलिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अपॉन 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 वन ज़ा 6, और यहाँ पे अपॉन क्या आ जाएगा, 6 वन ज़ा 6। ओके, ये 6 कौन सा है, माइनस वाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। ओके, अपॉन डाल के यहाँ पर भी 1 मल्टीप्लाई बाय 6 करें। 0 इंटू 6 कितना होगा, 6 होगा। 1 इंटू 6 कितना होगा, 6 होगा। ओके, 0 इंटू 6 कितना होगा, 0 होगा। ओके, सॉरी, हम 0 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या आंसर आता है, 0 आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब हमारे पास नंबर क्या क्या है, पास नंबर है -6 और यहाँ पर है हमारे पास 0। इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, रैशनल नंबर निकालना है। ओके, -6 अपॉन 6 और -0 अपॉन 6। तो 6, अगर हम नंबर लाइन देखेंगे, ये है हमारी नंबर लाइन। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे है 0 और यहाँ पर है -6। इन दोनों के जो बीच के नंबर है, हमको क्या करना है, लिखना है इनके बीच में क्या क्या आएगा, -5 आएगा। ओके, -4 आएगा, ऊपर करेंगे हम तो -3 आएगा, नीचे करेंगे तो -2 -1। ओके, और इन सब के नीचे क्या आएगा, अपॉन 6 आएगा, अपॉन 6 अपॉन 6 अपॉन 6 और अपॉन 6। ओके, आपको यह सब समझा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। ठीक है, हमारा आंसर है -5 अपॉन 6 कॉमा -4 अपॉन 6 कॉमा -3 अपॉन 6 कॉमा -2 अपॉन 6 कॉमा -1 अपॉन 6। ओके, हमारे फाइव रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है -2 एंड -1। इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, फाइव रैशनल नंबर निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, -2 के नीचे क्या कर देंगे, अपॉन में 1 दे देंगे, -1 के नीचे अपॉन में क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई, अगर हम ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करें, अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आंसर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 -2 सॉरी हमारे पास क्या है, यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई बाय 6। हम 1 को भी क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारे यहाँ, -12 अपॉन 6 और यहाँ पर होगा -1 अपॉन 6। ओके, 1 इंटू 6 कितना होगा, 6 होगा। 1 इंटू 6 कितना होगा, 6 होगा। अब हमारे पास क्या आ गए, इनके दोनों भी डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या करेंगे, अब रैशनल नंबर निकालें। तो हमको ये जो नंबर लाइन है, इसमें -12 अपॉन 6 और -6 अपॉन 6। ओके, इन दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है, फाइव रैशनल नंबर हमको यहाँ पर लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, -11 अपॉन 6 कॉमा -10 अपॉन 6 कॉमा -9 अपॉन 6 कॉमा -8 अपॉन 6 कॉमा -7 अपॉन 6 कॉमा
माइनस सिक्स अपॉन सिक्स। ओके, चाहे तो आप आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे माइनस फाइव अपॉन सिक्स कॉमा माइनस फोर अपॉन सिक्स। ठीक है, ये टोटल क्या हमने इन्हें क्या कर दिया, टोटल हमने यहाँ पर फाइव रैशनल नंबर दे दिए है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, माइनस फोर अपॉन फाइव एंड माइनस टू अपॉन थ्री। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस फोर अपॉन फाइव और हमारे पास है माइनस टू अपॉन थ्री। ओके, हम इनके सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे, जैसे यहाँ पे फाइव और यहाँ पे थ्री है, तो इनका दोनों का क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, फिफ्टीन आएगा। ठीक है, फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ट्वेल्व आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास माइनस टू है, हम माइनस टू को क्या करेंगे, इनको इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, फाइव से मल्टीप्लाई, माइनस टू मल्टीप्लाई बाई फाइव। ओके, अपॉन में होगा थ्री मल्टीप्लाई फाइव। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएंगे आंसर, माइनस टेन अपॉन फिफ्टीन। यहाँ पे हमारे पास माइनस ट्वेल्व अपॉन फिफ्टीन, लेकिन हम अगर इसके बीच में रैशनल नंबर निकालें, माइनस ट्वेल्व और टेन के बीच में एक ही नंबर आता और वो क्या है, माइनस एलेवन। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, माइनस ट्वेल्व को टू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ट्वेल्व इंटू टू कितना होगा, ट्वेंटी फोर होगा, अपॉन फिफ्टीन इंटू टू कितना होगा, दो मिनट हाँ, हम क्या करेंगे यहाँ पर, ट्वेल्व अपॉन फिफ्टीन, माइनस ट्वेल्व अपॉन फिफ्टीन क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्वेल्व इंटू टू कितना होगा, ट्वेंटी फोर होगा, फिफ्टीन इंटू टू कितना होगा, थर्टी होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया फिलहाल, यहाँ पे क्या आया अभी, ट्वेंटी फोर अपॉन थर्टी, और ट्वेंटी फोर किसका का है, माइनस का है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे को है टेन को भी क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टेन इंटू टू अपॉन फिफ्टीन इंटू टू। ओके, कितना हो जाएगा, माइनस टेन इंटू टू करेंगे तो यहाँ पे आएगा ट्वेंटी, फिफ्टीन इंटू टू करेंगे आएगा थर्टी, ये होगा माइनस माइनस ट्वेंटी होगा। ठीक है, ये माइनस में तो ये भी माइनस में आए, लेकिन इनके बीच में क्या आ रहा, टोटल फाइव रैशनल नंबर नहीं आ रहे, तो हम इसके लिए इसको थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने ट्वेल्व को टू से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, और टेन को टू से मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पे हम लेंगे ट्वेल्व इंटू थ्री, ओके, मल्टीप्लाई फिफ्टीन इंटू मल्टीप्लाई थ्री। ओके, ट्वेल्व इंटू थ्री कितना होगा, थर्टी सिक्स होगा, मल्टीप्लाई का फिफ्टीन इंटू थ्री कितना होगा, फोर्टी फाइव होगा। ओके, अब वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस टेन और माइनस फिफ्टीन को भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, माइनस थर्टी माइनस टेन मल्टीप्लाई बाई थ्री अपॉन माइनस फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई थ्री कितना होगा, यहाँ पे होगा थर्टी, टेन को थ्री से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, थर्टी आएगा, लेकिन टेन किसका है, माइनस का है, यहाँ पर माइनस माइनस का साइन आएगा। फिफ्टीन नहीं तो थ्री थ्री करेंगे तो कितना आएगा, देखो फोर्टी फाइव आएगा। ठीक है, अब हमारे पास सेम क्या आ गया है, माइनस थर्टी सिक्स अपॉन फोर्टी फाइव। ओके, और यहाँ पर नंबर क्या आ रहा हमारे पास, माइनस थर्टी अपॉन फोर्टी फाइव। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, फाइव रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो फाइव रैशनल नंबर हम निकाल सकते क्या, इजीली निकाल सकते हैं। आंसर क्या होगा हमारा, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं इसे, और
माइनस 35 अपॉन 45, ठीक है, कॉमा माइनस 34 अपॉन 45, कॉमा माइनस 33 अपॉन 45, कॉमा माइनस 32 अपॉन 45, कॉमा माइनस 31 अपॉन 45। ओके, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, ये आया। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, माइनस 1 अपॉन 2 एंड माइनस 2 अपॉन 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 है, माइनस 1 अपॉन 2, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार लिख देते हैं पहले 2 अपॉन 3, ये दोनों के हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर सही करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस 1 अपॉन 2 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है। 1 इंटू 3 कितना होगा, 3 होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अब वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 होगा। 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, देखो माइनस 3 अपॉन 6 आ गया और यहाँ पर आ गया 4 अपॉन 6। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 3 अपॉन 6 और 4 अपॉन 6 के बीच के जितने भी रैशनल नंबर हैं, इनके बीच के जो रैशनल नंबर है, माइनस 3 अपॉन 6 और माइनस 4 अपॉन 6, इनके बीच के रैशनल नंबर हम लिखेंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा, माइनस 2 अपॉन 6 कॉमा माइनस 1 अपॉन 6 कॉमा 0 अपॉन 6 कॉमा 1 अपॉन 6, ठीक है, कॉमा 2 अपॉन 6 कॉमा 3 अपॉन 6 कॉमा 4 अपॉन 6, ठीक है, कॉमा 4 अपॉन 6 नहीं लिखे तो चलता। टोटल आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 लिखते हमने, ठीक है। ये टोटल हमारे क्या रैशनल नंबर कैसा हम निकालते हैं वो हमने देख ली, ठीक है। रैशनल नंबर किसे कहते हैं, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, यानी कि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में, और क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। तो हमने यहाँ पे सबको क्या करें, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे, जैसे कि अभी फ्रैक्शन के फॉर्म में, माइनस 2 अपॉन 6, माइनस 1 अपॉन 6, 0 अपॉन 6, ठीक है, 1 अपॉन 6, ये सब हमारे क्या है आंसर थे, ठीक है। थैंक यू।